91.1. Follow us on Facebook, FM 91 Pakistan. All right, we're back once again. This is Radio 1FM 91. And remember, if you want to call us, the number 051-111-111-191. SMSs, aap hame bhej sakte hain 8833 pe. You can join us also by WhatsApp. And WhatsApp us at 0315-111-9191. And Facebook pe, Fasi Zaka official hai hamara fan page. Wahan hum aapke messages padhte rehte hain. All right, I'm going to quickly read a couple of messages. Aaj Ali Shahid ki wapsi hui hai, to mahaha kehti hai, I can't wait. Khushi ki aansu aa rahi hai. Aur aaj meherbani karke koi balungde collar se lambi baat na karna ki Ali se baat ho sake. Aur wo ye bhi keh rahi hai ki boriyat ke rockets aaj call na kare zyada balki kare hi na better hoga. और माँ हाँ हाँ कहती है आज तो बुलेट प्रूफ बेस्ती प्रूफ जैकेट सबको पहनने पड़ेंगे इसलिए बॉय तो वापस आया है एंड देन बेल्जियम से एड्स भी साथ आएंगे वैसे सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आज अली शायद वापस आया मेरे लिए और तुम्हारे लिए तोहफे भी लाया जबरदस्त और मेरे लिए प्योर बेल्जियन चॉकलेट तेरे लिए लगता है एयरपोर्ट से लिया है तेरे लिए किट कैट लाया है बिकॉज उसे पता है कि ये इनका माइक तो ऑन करे बोले अली हाँ नहीं ये काम नहीं कर रहा हाँ ये काम नहीं कर रहा टन टन तो आ रहा है बोले तो आवाज आनी चाहिए टन टन नहीं आ रही ये आवाज आ रही है ना सर यार ये बाहर से आया है तुम्हारी जो रेडियो इंजीनियरिंग है माइक्रोफोन को भूल गया तू कम से कम आज तो ग्वाल मंडी वाला माइक आज तो ग्वाल मंडी वाला यार बहुत लो लेवल तूने फिर हमें जरा डाउन किया है इससे अच्छी मैं अभी भी कर सकता हूँ मैं भूला नहीं हूँ हालांकि मैं आधा घंटे पहले आया था मगर ये बहुत तैयारी से फादर काम कर रहा था मैं हाँ। शायद सारी चीजें आज इसमें ओके हाँ नहीं, नहीं तो, ये मुंह से साफ कर रहा था तो बता अली क्या हालात है ये तो हम सब बहुत खुश हुए तू वापस आए सब सेट है और ये भी आपको पता है ना कि अली बहुत चेंज हो गया है वहाँ बहुत ज्यादा इसे तरह तरह की कॉफियों का नाम पता है ठीक है ना ये सर मशीन मशीन वाली कॉफी ठीक है ना यहाँ तो हम चमच मार मार मर के हम खराब हो गए नहीं यार टोकन सिर्फ गेम्स के लिए यूज होते हैं और तो ये अब वापस आ गया और इन्होंने प्लान भी किया है कि लोगों से मैं बदले लूंगा ठीक है ना और आप बहुत गुस्से में था मैं ऐसी दिटैसी कर सा और फॉरेन रिटर्न हो गया तुझे पता है इन लोगों के अपने ही नखरे होते हैं बिल्कुल शुक्र है कि ये इसने पहचान लिया पहचान लिया मैं तो सोया हुआ था नीचे गिरा हूँ मैंने को ये लड़की की मुझे कॉल आ रही है साल में दो ईद भी हो गए इसने सलाम दुआई नहीं की ये आज जो आ गया ये बहुत बड़ी बात है और माहा ने कहती है कि ट्रांसमिशन लेट है ना सलाम ना दुआ और वो कह रही है सलाम अली भाई ठीक है ना अली भाई बड़े गरूर में उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया अली भाई आगे अपने फोनो कनेक्शन खुद कर रहे हाँ अच्छा आज भी उसे ट्रस्ट नहीं है इधर हाँ मेरे में नहीं इंजीनियर्स ये नहीं वाकई में अली की आवाज सही नहीं आ रही ये कोई इसका इलाज निकाल ये जो अब सही ये एक सेकंड असल में आप ये कंट्रोल वॉइस ले लो हाँ ये वैसे बहुत शर्म की बात है इट इज सो शेम बहुत शेम हो रही है बड़ा ये वापस आया बाहर से मेरे जाने का इतना लेवल गिर गया यार हां ये वहां शो मारता था नहीं हम ऑस्ट्रेलिया ये बेल्जियम में इतना मेरा ये सेटअप होता था ये चीज होता था तेरे जाने के बाद इन्होंने ना कांटियां खेलना शुरू कर दी शुक्र है तू किसी गोरे को तो नहीं कहा कि ये प्रोग्राम सुन मैंने अभी नहीं बताया हाँ ये सही किया ये इट्स बेटर इट्स बेटर इट्स बेटर हाँ ठीक है हाँ तो तूने शो का क्या कहा गोरो को रिदम देखूंगा रिदम देखेंगे उसके बाद बताएंगे हाँ रिदम देखेंगे उसके बाद बताएंगे ये बात सही किया एनीहाउ यू कैन एसएमएस अस एट 8833 यू कैन व्हाट्सएप अस एट 0315-111-9191 या इसकी भी एक पिक्चर लें अली एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक Fasi Zaka official Sadia Shah kehti Fasi bro it's been 24 hours no transmission in Lahore
what the hell, is it a prank or something? And then Mahaha kehti hai, main Ali bhai ke saath hoon badle lene ke liye. Transmission Lahore, wo incident jo hai na last time abhi ho, wo jo ek jagah zara aag lagi thi, to hamara tower shower wahi tha. Theek hai, ye to bas Ali bhai, Mr. Bangar aaye hain, wo keh rahe hain main beshak ban hu magar please mujhe aap call pe le rahe, wo aaj bhi ban hota hai. Haan. वो कह रहे कि मेरी प्लीज अली भाई से बात करवा दें, हमने तो बैन किया है, आप परमिशन देंगे तो हम उन्हें ऑन एयर करेंगे. है कौन ये? मिस्टर बांगर जवेद. ओके, हेलो कर देते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर अली, आई मैंने आपको बहुत मिस किया यार. यार बात हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है. ओ, मेरे प्यारे भाई, आई यकीन करें कि आपके बगैर ये शो जो ना आधा रह गया था. यार बात सुन, जब मैं यहाँ था ना, ये पीछे F7 में एक बाबा था, उसको फालिज था, उसका फालिज ठीक हो गया था. लेकिन जो बंदा अभी तक वहीं था, वो आज दोनों पैरों से चल के आ रहा था यहाँ. उनके लोड नहीं है प्रोग्राम की यार, शो की यकीन करें. आप सामने हो तो आपको वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं अली, एक साल में ये भी जो बदल गया कि पिछले हफ्ते से मुझे ये अब बुरा लगने लगा. लगा भाई आपसे ये उम्मीद ना थी, मेरे बारे में ये कहा है ना आप. नहीं नहीं, तू अब कंट्रोल में नहीं है. अच्छा, ये अभी तक लगातार कॉल कर रहा है? जी उसी तरह. हाँ, अभी भी फर्स्ट कॉल है. अभी भी फर्स्ट कॉल है. तुझे आज तक इस पे कोई इनाम नहीं मिला? सिर्फ जिल्लत मिली. यार जिल्लत के साथ तेरा क्या कॉन्स्टेंट ठेक है? यार आज अली भाई आते हैं FRCS डॉक्टर है, वो कहते हैं ये वाहिद इंसान है जिसे नशनुमा मिलती है जिल्लत से. वो वाहिद इंसान है जिसका डॉक्टर को नुस्खा तब्दील करने के लिए. मैंने कहा आज तो हम आते ही ऐसा उठे ना, यकीन करो अली भाई, एंट्री ये ना आपने ऐसी एंट्री मारी है. मैंने क्या एंट्री मारी? इधर मैंने पुजा रहा हूँ. अच्छा, प्रीटी खान कहती है कि सलाम टू ऑल एंड अली भाई वेलकम बैक, बहुत खुशी हुई आप आपके शो में आने का. महा कहती है शुक्र है लाहौर से कॉल आज नहीं होगी. एंड सादिया शासिस, बेल्जियम से आने वालों थोड़े एथिक्स 91 को भी सिखा दे. ठीक है ना, ये तो पहली बात की थी ये सब ने. व्हाट इज दिस प्लेस, व्हाट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टफ आते साथ ही. उसने कहा एक गुंजल अजय तक नहीं. हां, गवर्नमेंट ही वाला बोल ना. हां, और महा भी कहती है आई वांट टू कॉल, तो कॉल कर लो, खैर है. एंड महा कहती है शर्म होती है, हया होती है, एथिक्स होती है. एंड मैं भी अली भाई के साथ आज बदले लूंगी. और अनिया, सो यू कैन जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप 0315111991. आप हमें SMS भेज सकते हैं 8833 पे. महवेश बलोच ने SMS किया है, अली वापस आ गया. अली क्या हुआ, दुआ ना सलाम तूने किया है अवाम को? इस पूरे साल में लोगों ने बहुत कंप्लेन किया. रूड है वैसे तो इस शो में एक सा कभी हुआ ही नहीं था. अगर आपके होते हुए आपको अगर आपने मेरे जाने के बाद ऐसा कर दिया तो अस्सलाम वालेकुम. हां, ये बात भी वैसे सही है. वेल पॉइंट. शादिया शाह कहती है मी राइट नाउ आई एम लिसनिंग टू अली. एंड देन महा कहती है शुक्र है फजी भाई, आपका टेस्ट भी सही हुआ, देर से ही सही, आई अप्रिशिएट. आपके होते हुए व्हाट्सएप था? नहीं, ये टेक्नोलॉजी मिली है. और महा कहती है आवाज कम आ रही है कॉलर्स और अली भाई की भी. ठीक है ना, अब तो बहुत जबरदस्त वॉइस है. हाँ, ये अभी महा से पूछते थे कि फिर हमें SMS मैसेज कर दे फेसबुक पे. जी बांगड़ भाई, आप क्या कह रहे थे? इनका गला आप छोड़ने के टाइम भैया. हाँ, आए हैं वापस चले जाएंगे. देखिए, आप तो डिपोर्ट हुए थे ना, ये इसे वेकेशन कहते हैं. ये जब आप सैर के लिए अपने मुल्क वापस आते हैं उसमें रिटर्न टिकट भी होता है. ये एक मुख्तलिफ नौयत की चीज होती है, इसमें इज्जत होती है. सबसे बड़ी बात जिसका तेरे से कोई ताल्लुक नहीं यार. दोबारा शो में जब तक इधर है या एक ही दफा एंट्री मारी बस.
آپ جب تک یہ جو ہے نا یہ کے پاس ٹائم نہیں تھا, یہ مجھے کل بھی کہتا یار فسی سے کنفرم, حالانکہ اس نے کبھی زندگی میں نہیں کہا یار فسی سے کنفرم کر ہے یا میں, یہ نہ اتنا ٹائم نہیں, اب تو فورن سر آپ مجھے گیو می ٹو منٹ پلیز. پھر میں نے صبح کال کر کے آپ سے کنفرم کر کے پھر اس کو بتایا, کہتے اچھا اب ٹھیک ہے. نہیں یہ جتنے بار بھی آئے ہم بہت خوش ہوں گے, ہم تو ریکویسٹ کریں گے, لیکن بہت بزی آدمی ہے. آپ نے تریم بھائی ریکویسٹ کی, میں نے ایکسیپٹ کی, اس کے بعد آپ نے مجھے بلا کے پہلی کال یہ اذیت دی. آپ اس سے اچھا اگر تیز چھری میرے سر میں مار دیتے یار, آپ بیمار ڈڈو یار بٹھا دیں, یہ بٹھایا ہوا ہے نا. ہولڈ کیجیے, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ ان کو ہولڈ نہ کہا کریں, آپ نے کہا گلا دباؤ. It's 10:15 PM. Time check sponsored by Faisal Bank. Bank on ambition. All right, we're back once again. Mahaha says the sound is better now. Ali JD Saif kehte hai مزہ تو تب آئے گا, مان لیں گے یہ کہ بیلجیم کے انجینئر ہے اگر یہ بانگڑ کی وائرنگ صحیح کر سکے. اور ربیع ضیاء کہتے ہیں ویلکم بیک علی برو, بیلجیم والے بابو کے آنے سے سٹینڈرڈ ہو گیا آج. ماہا کہتی علی بھائی مجھے جانتے بھی نہیں ہوں شاید, اور میں ایوی خوش ہو رہی ہوں. کیوں نہیں, وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے ماہا بھی ابھی تک. جی جی وہ میں جانتا ہوں اس کو, تو میں جانتا ہوں. لیکن ایک سیڈ نیوز, اس کا تو میں جانتا ہوں, میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کیا تھا. ہاں لیکن نہیں ویسے اس نے فزی بھی دوبارہ گفٹ جیتا تھا, یہ لینے نہیں آئی شاید, یہ برا کام کیا اس نے, اس نے کیا ہے. پھر یہ کہتی ہے مجھے گفٹ نہیں دیتے, ایک گفٹ دے ہی دیا آپ نے, پورا مہینہ اناؤنس کیا, آپ نے بھی 32 نمبر سائیکل کی ٹیوب رکھی, نام میں کوئی اچھی چیز نہیں, بہت ہیوی ہیوی کھانا تھا. اچھا مجھے یاد نہیں ہے, فاد کو پتا ہے اس کا, بیلجیم والا, بیلجیم لیول چائنیز ریسٹورنٹ. یس سو اینی ہاؤ سو یو کین کال اس 051-111-111-191. ایک اور ہے جی مسٹر طہ جی, ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس پہلے تو آپ سے کمپلین ہے نا جی. جی 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 یار یہ واپڈا ہو گیا یار, لاہور میں چینل نہیں آ رہا آپ کا. اچھا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ آگ لگ گیا تھا ہمارے پریمیسز یار, آگ تو ایک جگہ پہ لگا تھا, وہ ایک گھنٹے میں ہو بھی گیا تھا, ہم نے سارے ٹاور وہی رکھے تھے. آپ کو نہیں سمجھ آئی ابھی, ادھر نا نیچے حلوا پکار دو, تین دن ہو گئے آپ کا چینل نہیں آ رہا یہاں پہ. نہیں نہیں یہ ہم نے کہا ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہاں ایپ پہ کر لیں, fm91.com.bk. میرے پاس ایپ والا فون ہوتا تو میں آپ کو کال کرتا. بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے, نہیں یہ ہم کنوینس کرتے ہیں کہ یہ جلدی سے کریں, اس کا جو ایشو ہے وہ جینوئن ہے. ہاں یہ والا بڑے ہاں, تو آج بھی رجسٹرڈ یاد ہے. میں نے کہا آپ کے چینل سے تو بندہ تھوڑا سا وہ فری ہو جا, وہ تھوڑا سا بندہ ریلیکس ہو جاتا, آپ کا چینل نہیں آ رہا. نہیں نہیں یہ بس ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بھی مشکل وقت ہوتا ہے نا, جب بلڈنگ میں لگ جائے وہ لوگوں کو بھی صدمہ ہو جاتا ہے, بہت کوئی سیریس کچھ لوگوں کو تو ایسے ہی کھنگ لگ جاتی ہے. ہاں سیریس ہو گیا تھا, ٹائم لگتا ہے نا, ایسے آ جائے گا یہ. ہاں کب تک ویسے آ جائے گا؟ دیکھو اب علی بھی آئے, اس نے باہر سے انجینئرنگ کی ہے, تو ہماری امید ہے کہ کم از کم 3 گھنٹے ہم جلد اس سے کروا سکتے ہیں. ابھی بھی ٹرک تو وہی استعمال ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹاور لانے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کا پرزے شرزے یہ بس جلد سے فکس کر دے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو طہ. بیک ٹو بانگڑ جی, اس کو بھی بگائیں جی. ہلو, ہاں جی ہلو. اب یار علی بھائی میری سفارش کرو یار, یہ مجھے بین کر دیتے ہیں یار, ذرا سی تھوڑی سی بات کو غلطی ہو جائے معاف نہیں کرتے یار, یہ بڑے ظالم. یار تو بھی تو ان کو نہیں کرتا نا یار. میں معاف کر دوں یار, میں تو دیکھو ذرا سی بھی گلی غلطی معاف نہیں. میں تو سمجھ رہا تھا تو شپ میں بیٹھ کے سومالیا نکل گئی, ہماری پرسنلی ہو نا تو ہم شاید تجھے اگنور ہی کرتے. اچھا یہ پورا تعصب گروپ پہ پھیلا رہا ہے. اچھا ایک منٹ میں کچھ ایس ایم ایس جلدی پڑھ لیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہنے کی کیا ضرورت تھی, آپ سٹارٹ کر دیتے. ویئر از علی شاہد, نو ٹرانسمیشن ان لاہور, علی نے آتی کھمبا اکھیڑ دیا. اینڈ میں وش بلوچز علی پنگا نہ لو, میں وہی ڈکیت ہوں.
ऐसे तो डरना पड़ता है जिससे तू कहता था या अल्लाह इसकी कॉल ना आए। बहुत डरता था। महवेश बलोच कहती आज सिर्फ अली की बात होगी शो में बस, और फिर वाहिद जमान भाई सबको सलाम, अली जरा नजदीक बिठाओ, आवाज साफ नहीं आ रही है, बांगड़ की आवाज ज्यादा साफ आ रही है आपसे। ऑलराइट, एंड मोर मैसेजेस ऑन फेसबुक फसी ज़का ऑफिशियल। एंड अली जेडी साहब के बेल्जियम से इंजीनियर लाहौर की वायरिंग के लिए इंपोर्ट किया है, क्या जबरदस्त एहतमाम है पाकिस्तान का। महाहा कहती है आप इस्लामाबाद आके सुन लो शो, एंड मुझे अभी तक सुई भी नहीं दी आप लोगों ने। ये तो इसको बता दें ये कुछ विन किया हुआ था इसने, हमने दो चीजें विन किए थे, ये तो मुझे अफसोस हुआ है कि इन्होंने ले लिया। महाहा कहती है वो चीन के आपने ओ और ये भी है, हमने इसे एक दो इधर ही पड़ा हुआ है, हमने एक दो गिफ्ट इसे अनाउंस कर दिए थे तो कोई और लग गया कि हमने कहा कि इसे ज्यादा जरूरत है तो इसे हम छीन लेते थे और किसी और को दे देते थे। वैसे ये तो हम शुरू से ही करते हैं। हाँ ये बात सही है, लेकिन फहद एफिशिएंट होगी। अच्छा आज फहद भी आ गए सर। फहद नहीं, वो तो सिर्फ तस्वीर के टाइम पे हम कर रहे। गोल्डन ड्रैगन उधर ही रहे अभी। हमारे पास महा यहाँ है ना गोल्डन ड्रैगन का। yes. ये तो इसे TCS कर दो ना, इन्होंने एड्रेस नहीं दिया। TCS का नहीं, मुझे कंप्लेन की थी इंजीनियर साहब ने कि ये न कॉल उठाती है, इससे रابطे किधर से करें। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर कुछ कर लेंगे महा, आपको भेज दूंगा। नहीं तो आज देख लेते हैं किसी और को। हाँ ये बात भी सही। और अभी ऐसे आके वेलकम बैक अली ब्रो। ओके जी जी बांगड़ भाई, आप क्या कह रहे हैं अली भाई का प्रॉमिस लेने जितने भी नजर है ना दोबारा आया करेंगे यार, जरूर अगर अली भाई के पास हो तो हम तो बहुत खुश होंगे इस पे। अली भाई मैं प्रॉमिस करें आप जितने भी नजर है ना आप हमारे लिए टाइम, जिस दिन मैं फ्री होया मैं जरूर आऊंगा। क्या जबरदस्त पिक्चर है अली की। हाँ मैंने तो बल्कि अली को शूट का कहा है। अली ने कहा ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है, इसी के साथ आपके कॉल की क्लोजिंग होती है। ओके जी, ऑलराइट ऑलराइट, यू कैन कॉल अस एट 051-111-111-191। SMS आप कर सकते हैं 8833, उस पे FM 91 जरूर लिखिएगा। एंड यू कैन जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप, वहाँ भी आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं। कैसी है सर अली, क्या सीन है वहाँ, वो सीख है फ्लेमिश बोलते हैं या फ्रेंच बोलते हैं? सीख लिया है, डच नीदरलैंड्स। अच्छा वो बोलते हैं जी। उसे क्या कहते हैं वहाँ? डच, डच ही कहते हैं, नीदरलैंड्स कहते हैं उसको। नीदरलैंड कहते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा वहाँ है और इतना सीख लिया कि समझ लेता हूँ और बोल लेता हूँ अपनी बात समझ। अच्छा तो मतलब ये लोग वाईफाई को क्या कहते हैं? वीफी। ठीक है ना, मुझे जहर लगता है जब मैं सुनता हूँ। शुरू शुरू में मैं क्या था यार, क्या है यार बच्चों की तरह बोल रहे, बच्ची की तरह फैक्स को सर फॉक्स। तो ये जो वीफी वाला है ना, इस पे मैं बहुत सख्त तंग आ जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ ये डच यही कहते हैं। अच्छा और वहाँ कॉफिया शॉफिया पी है? कॉफी तो पी है वहाँ, और तो सीन ही चाय चाय का तो सीन ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चाय तो बहुत से मुल्क है जहाँ नहीं मिलती है। नहीं, हाँ। चाय का सीन नहीं, चाय बननी थी। मिस नाजो। ओहो बाजो। हेलो नाजो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ट्रेलर जैसी आवाज। आज भी उधर ही है बजूका। हाँ जी नाजो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अली भाई वापस आ गए। नाजो को क्या पता अली कौन है? हाँ वो आए बेल्जियम, बेल्जियम से आए। अच्छा नाजो बहुत हाई लेवल पे आया आजकल पॉपुलैरिटी में, मगर इस बार स्टिल अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल। अच्छा बहुत हाई लेवल है इसकी पॉपुलैरिटी, वो भी मेरा भाई, और जो इनकी जलन उमैमा से है वो उससे भी ऊपर है। अच्छा उमैमा भी है अभी? हाँ उमैमा स्टिल लाइव। जरा सा नाजो तुम तो अब सीनियर कॉलर बन रही हो, ये थोड़ा सा तो फोन अपने मुंह से निकालो। यार तेरी कोई एथिक्स का डिप्लोमा होता है नजदीक। हर 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 फूंके मार रही हो आज, ये क्या कर रही हो? एक मिनट
क्या चार्जर ने आपके फोन को आग तो नहीं लगा दी? हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ अब सही हो गया ना, ये क्या सीन था? हाँ अच्छा, वाकई में अली आए? हाँ अली आए, और बिल्कुल इसने तो बारिश कर दी थी। अच्छा, तो मेरा सलाम। आंधी तूफान था इससे दो मिनट पहले। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, ए वन फिट पार्ट। इसको अपने खाद की तस्वीर भी भेजी, नया स्टाइल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आई डोंट फसी और तहरीन पे। हाँ नहीं, लेकिन ये अब वापस आए हैं बाहर से, ये थोड़ा सैर करने के लिए अपने मुल्क वापस आए हैं। इन्हें पसंद है अभी तक पाकिस्तान। दोबारा जाएगा? हाँ हाँ, वेकेशन को इसी को कहते हैं। जहन की स्पीड को, ये सर्दी गर्मियों की छुट्टियों को शिफ्ट सर्दियों की छुट्टियों में करके आया 10-12 दिन। ये तो जल्दी आ गए, उसमें 11 महीने लगते हैं, ये 8वें महीने में आ गए। नहीं ये तो अभी एक और साल रहता है इसका। अच्छा अच्छा, ठीक है नाजो। नाजो कंफ्यूज हो गई कि ये कोई इंग्लैंड का मास्टर। आप थोड़ी देर शो सुनो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वाकई अली है। ठीक है, अली बोले ना। बोल ही रहा हूँ, अब बातें करें ना उनसे। अली भाई तस्वीर नहीं आ रही उसको। नहीं नाजो, असली बात पे आ जाओ। गिर गए अली के थोड़े थोड़े। हाँ नाजो, असली बात पे आ जाओ। ये अब जो है ये वो बंदा है जो आपको बता सकता है कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। नहीं फसी, वो कह रही है ये मेरी नजरों में गिर गए। आपको आपको बाहर की दुनिया को समझने के लिए पहले पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को पूरा समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। वो तो हम समझते हैं, हमारी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कैसे इधर से टेक्नोलॉजी से कामयाब हो के आगे। वो आपके खालू ठीक थे जिनकी देगें चोरी हुई थी, वो बाहर दुकान की सजाई होती है देगें, वो कच्चे रोड पे। यहाँ वही है जगह, तो वही है। अच्छा इसको याद है? हाँ याद है, बहुत सारी बातें मुझे नहीं भूलती, ऐसी खतरनाक बीमारियाँ मुझे बड़ी याद है। अच्छा नाजो एक और कॉल भी है, फिर बात करते हैं आपसे अगले शो में। ठीक ओके, हेलो जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुहेल बात कर रहा हूँ कराची से। जी कैसे हैं आप सुहेल? अल्लाह करे आप कैसे? ठीक ठाक, क्या करते हैं आप? सर मैं एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करता हूँ एज अ क्रिएटिव मैनेजर। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे जा रहे हैं? फसी भाई मैंने आपके लिए भी इनडायरेक्टली काम किया हुआ है। अच्छा हाँ, आपने आज टीवी पे या प्लेट जी पे बहुत पहले एक शो किया था। हाँ उसके ग्राफिक पैटर्न वगैरह सारी चीजें मैंने बनाई थी। ओह वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छे बने हुए थे मुझे अभी याद है। उसमें क्या खाने का कुछ था? नहीं नहीं, वो जो न्यूज व्यूज कंफ्यूज का था, उसका जो ओपनिंग था बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया था। वही जिसमें वो कराची में आखिर में वो जब खत्म हो जाते कराची की बिजलियां लोड शेडिंग हो जाती। हाँ हाँ, नहीं नहीं वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ये सब यही कहते हैं, फिर उसके एक दो साल बाद अब सिर्फ जहर लगते हैं। आप लोग शो में क्वालिटी है। हाँ पहले मैं सुनता था ना, मुझे पता था यार बहुत सस्ती चुगते मारते हैं। हाँ उसके बाद मैं सुनता रहा ना, तो अब मैं एडिक्ट हो गया हूँ। अब मुझे पता है कि आप लोग टाइम पे हैं और आप लोग डे डे कह रहे हैं। अब तो ये तितर और बटेर में फर्क समझ आ गया। असल में ये तब से हुआ जब से इसने गुटखा छोड़ा। हाँ तो आप कह रहे थे तो मुझे आप लोगों का शो अच्छा लगता है और आप लोगों का शो का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आप लोगों ने एक जो है वो ऑन एयर अपनी फैमिली बना के रखी हुई है। हाँ ये बात सही है, जिसमें चाहे आप लोगों ने लोगों को देखा हो कि ना देखा हो, लेकिन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हाँ तो मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। अच्छा थैंक यू, कॉल किया आपके शो पे, ट्राई किया था कि यार कॉल लग जाए आपकी तो बात कर लेते हैं। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ इस बात पे। और ये भी कि इनको समझ ये है कि यहाँ सब हम फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल कोई ताया नहीं है, कोई like ताया this. नहीं है। हाँ तो आजकल कैसे जा रहे हैं काम? फसी भाई आजकल मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ बाहर। ओह वेरी गुड, ये तो तू अली बन गया। तो मेरी संडे की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ फिल्म मेकिंग स्टडीज के लिए बाहर। ओह ब्रिलियंट, मैं तो बहुत खुश हुआ ये सुन के।
I hope ke bahut acha time aapka guzre and I hope you really enjoy your time there. नहीं नहीं ये तो बहुत सही किया है ये जो है ना ये सबसे बेस्ट एडवाइस आपको अली दे सकता है अली जाने से पहले मैंने उसे एडवाइस दी थी और अब जो है और वो कितनी वो काम पेश आई तुम्हारी अभी वो वाली उसमें से कुछ कुछ आई है हाँ। कुछ अब आएंगी अब आएंगी हाँ ठीक है तो ये अब तू इसे एडवाइस दे दे बस इसको स्टार्ट में मुश्किल होएगा पहला एक दो हाँ। मंथ बहुत मुश्किल होएगा हाँ। बस तो उसमें बस स्टेबल रहना और अपने यार अब आपकी स्टडी पे डिपेंड करता ना आपकी स्टडी और मेरी स्टडीज और हैं नहीं इनका भी बहुत मुश्किल होता है ये जो फिल्म मेकिंग जब आ जाता है इसका जो है जरा प्रैक्टिकल और तरह का आ जाता है हाँ तो नहीं नहीं इसकी तो एक ये भी अब पूरी टेक्नोलॉजी है और दूसरा इसके ये है कि इसमें जो एस्थेटिक साइड है जब आप जैसे ये अब आपको वैसे तरीम बेहतर एडवाइस दे सके रूल ऑफ थ्रीज आ जाता है ये तो ऑलरेडी एनिमेशन पे काम कर तो इसे पता है लेकिन अब जब आप बिल्कुल डिग्री में चले जाते हैं तो वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है ये कितने साल का है दो साल का आपका मैं अपना बैचलर्स दोबारा कर रहा हूं बैचलर्स दोबारा कर रहे हो तो ये तो चार साल का हो गया है फिर नहीं बैचलर्स कहीं कंट्री में तीन साल का ये कहाँ आप कर रहे हैं शुक्र है मैं गुजरा वाला लग गया तो टर्की में कितने साल होते हैं तीन या चार 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 ठीक है और आजकल इसे फायदा भी है कि उनका जैसे हमारा रुपया गिरा है उनका लीरा तो गिर ही गया है तो अगर तूने पहले से पैसे डॉलर में जमा किए होंगे तेरे तो मजे हो गए तू यहाँ भी ख्वार हो गया अच्छा लेकिन खैर अभी मतलब जो टारगेट बना लिया तो जाना ही है चाहे मेरा कहूँ वो अच्छा मैं जल्दी से तुझे दो तीन एडवाइस दे देता हूँ ठीक है ना एक तो ये कि जब तुम शुरू हो जाओ ठीक है जो भी उनकी रीडिंग्स होते हैं ना हर हफ्ते पूरे करने हैं तुझे ठीक है सिर्फ ये नहीं करना ये फिल्म मेकिंग में कि मैं बस कैमरा पकड़ लेता हूँ और ये चीज़ हाँ ये सब कुछ ये नहीं जितना इनका जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है उसका बहुत बड़ा फायदा है दूसरा काम जो है ना जैसे ही तू वहाँ चले जा पाकिस्तानी जो है ना वो ये काम करता है वो बाहर चले जाता है वहाँ उसे चार और पाकिस्तानी मिल जाते हैं और जब वो दो साल बाद वापस आते हैं वो छह नए पाकिस्तानी के साथ दोस्त होता है ठीक है ना ये जो है ना ये बिल्कुल जाया है अपने बाहर की डिग्री का ठीक है ना और ये 99% यही करते हैं ये वर्कशॉप में भी ऐसे ही होता है जो दोस्तियां कर लेते हैं वो दोस्ती करके वापस ठीक है ना वो जब वो बाहर से बचा आ जाता है ना वो कहते बेटा अब तुम्हारे कहाँ से दोस्त है और माँ सोच रही कि अब ये कह रही है इंग्लैंड वो कह रहे जी अब साहिवाल से दो बन गए हैं और तीन यहाँ से बने हैं ठीक है ना इसका ये फायदा है कि वहाँ के जो लोग हैं और ममालिक के लोग हैं उनसे दोस्तियाँ करो मेक एन एफर्ट जो 50% जो लर्निंग एक्सपीरियंस है ना ये लोगों से आता है ये आपकी होराइजन बढ़ जाती है लेकिन ये गलती हमेशा पाकिस्तानी करते हैं अगर आपको ये रिहाइश या इसमें चॉइस हो या डेफिनेटली वो कर लो जहाँ और टर्किश स्टूडेंट हो या ये वो ये मत करना कि वो जो ब्लॉक है जिसमें सारे पाकिस्तानी बैठे हैं ना वहाँ चले जाना ठीक है ना ये एक चीज़ है और बस जो थोड़ा बहुत ये कि टाइम पे काम करना होता है इनकी जो ये एक चीज़ जो बाहर बहुत मजे का है कि वहाँ इनकी एक्टिविटीज बहुत सस्ती है वो सब कुछ करके आना तो चले जाना उनके राइड्स होते हैं बीच होता है ये सब कुछ ये वापस आके वो मत करना कि ये 10 रुपए इस पे बचाना ठीक है ना ठीक है ओके एंड बेस्ट ऑफ लक आई रियली विश के बहुत अच्छा जाए आपका ओके यू टू थैंक यू ऑलराइट Alright, more SMSs at 8833. You can join us on WhatsApp 03151111919. Aur Mushtab Shera kehti hai, welcome Ali Bhai. And more messages on Facebook. And Mahaha kehti hai, Ali Bhai ki awaaz mein dard mehsoos ho raha hai.
कपड़े इस्ती करना पड़ता होगा इनको. उमैर नदीम से वैसे शो का स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, शो का लिस्टनर्स ओवरसीज भी बहुत है अब. एंड ये महा कहते हैं ये पतीसा खाना जा रहा है बाहर. एंड अली यूरोप की हीट वेव एंजॉय कर ली. फजी भाई पास आजकल फोन कौन सा है सिंस इज रिटर्न फ्रॉम यूरोप, उमैर नदीम पूछ रहे फोन कौन सी आज कल. वही है स्टूडेंट के पास तो वही फोन होगा. अच्छा तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वहाँ अभी? नहीं. अच्छा अभी नहीं छोड़े तुम लोगों को? अच्छा ओके. उमैर नदीम से सलाम फजी भाई तहरीम अली एंड ऑल होप यू आर वेल. महा कहती है नाजो अब चॉकलेट्स मांग लो इनसे. और महा कहती है नाजो के 101 दुख शुरू. और दिया था एड्रेस. वैसे एक काम मैं करता हूँ ठीक है, तुम लोगों के लिए तो ये किट कैट लाया है ठीक है ना, और और ट्विक्स और मार्स ठीक है ना, वो जो वही शेल पंप में मिलते हैं. तो मेरे लिए मैं अपना बेल्जियन चॉकलेट एक शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों ठीक है ना. तो, ओ यस गुडाइवा का मेड इन बेल्जियम वाला हेजल नट हम सब शेयर कर देंगे. इसकी पिक्स भी ले लें और साथ किट कैट के भी. ये है एक. हाँ ये जरा पिक्स ले लेते हैं इसकी जल्दी से ठीक है ना, के और तुम्हारे किट कैट के भी, बिकॉज फिर लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या माल. लेकिन वैसे इसने सही काम किया, इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली. हाँ ये इसको वो नहीं मिला होगा कि ये है और राइट. और यस ठीक है वेरी गुड. So anyhow, अब हम खा लेते हैं. और खैर तेरी अगर तुझे बुरा लगे मत खाना थोड़े खट्टे होते हैं ठीक है ना. सर तेरी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पसंद है. थोड़ा बढ़ गया. All right, let's. वो क्या स्टाइलिश है ये तो भाई. स्टाइल में बेल्जियम निकल रहा है तो. हाँ ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ठीक है. ऑलराइट सो एनीहाउ ये वैसे तुम लोगों को बुरा नहीं लगेगा, ये मिल्क चॉकलेट है वो कटा वाला इसने नहीं हार्ड चॉकलेट नहीं लगा. ऑलराइट हाँ पिक जरूर बनाए बुखारपन की अपने की तुम लोगों की. एंड से नो टू फ्रेशीज इन अब्रॉड. ये बात सही है अली जेडी सर, ये जो पहले साल आते हैं ना हमारे स्टूडियो में पाकिस्तानी है उसने किया. ये सीख गया है बाहर कि ये काम नहीं करना. काफी मैनर्स आ गए ये 9 बजे से इसने साइलेंट मोड पे लगाया. ये तो अली बहुत चेंज हो गया है, यहाँ स्टूडियो के अंदर ये लस्सी बनाता था. ओके पर महाहा ने ये कहा है कि हॉट एयर बलून में टर्की में जरूर जाना है. वैसे ये बहुत अच्छी एडवाइस दी है इसने. अली भाई की आवाज में दर्द है. ऑलराइट मोर एसएमएसेस एट 8833. अगर आपको पता ना हो तो 8 साल से शो सुन रहा हूँ. अली भाई को सुन के बड़ी खुशी हो रही है. आमिर फ्रॉम कराची. थैंक यू सो मच आमिर. And let's do Facebook Live tonight for your Lahori listeners at least. And assalamu alaikum Fazi bhai. Tareem aur Ali bhai show aapka adhura aapke aane se high level ho gaya. Says Amir from Karachi. Wahid Zaman says bhai sabko salam. Ali ko nazdeek bitao awaaz saaf nahi aa raha. Mehmish Baloch says aaj sirf Ali ki baat hogi show mein. All right. aur maha kehti hai haan pics zarur banayenge. Acha to Ali koi dost banaye wahan? ये वैसे भी बनाए दोस्त. अच्छा क्या नाम है? अमजद मैं कह रही रशियन है. अच्छा नतालिया. हाँ और टेनिस. डेनिस. टेनिस. टेनिस. अच्छा और दो पाकिस्तानी हैं. अच्छा वो जरूरी थे आपको पता है. वो मेरे साथ हर वक्त रहते हैं. अच्छा अच्छा इसने भी वही काम किया लेकिन नहीं नहीं मैंने थोड़ा सा छोटे लगे छोटे लगे मैंने थोड़ा सा हट के किया था. हाँ वो जो थे ये इरास्मस के. अच्छा पहले सेमेस्टर में उनके साथ रहा. हाँ फिर वो चले गए. फिर दूसरा सेमेस्टर जरा बहुत ज्यादा टफ था. अच्छा उसमें तो बस अपना ग्रुप जो था उसी के साथ काम किया मैंने. अच्छा वेरी गुड ये तो अच्छा है.
ठीक है ना, और अली आज इसने उनसे मतलब के लिए दोस्ती, हाँ नहीं, और अच्छे लोग आपके साथ वो हेल्प करते हैं। हाँ अली जेडी साहब के तहरीम ध्यान से पूरी चीजों से पेट ना खराब कर देना। ये बात सही है, ये तो बहुत प्योर आवाज कम है सेज इंजीनियर को कह अच्छा, रहे हैं। हम तो इसे बड़ा मिस कर रहे थे, एवरी शो ये बात सही है, और हमने अभी तक वो देख लो अपना वो भी नहीं, प्रोफाइल पिक्स भी नहीं चेंज। हाँ और वैसे किसी ने तौसीफ ने बहुत हाई लेवल बेल्जियम चॉकलेट्स की तस्वीर भेजी है, और गूगल अच्छा जानता है। हाँ ऑलराइट Anyhow, you can call us at 051-111-111. क्या मतलब फजी भाई हाई लेवल? ये हाई लेवल नहीं है। नहीं, वो भी हाई लेवल है। देखो ये तो एक फजी भाई लाया है बहुत सारी था, हाँ। लेकिन यहाँ आते आते इतने अटैक्स हुए उन पे, हाँ। ये आप बता रहे थे। तो लोगों को पसंद भी आए बहुत ज्यादा। अच्छा, पर अब दोबारा तारीख वही फरमाइशें हो रही है, अगले साल ये ले आना, इसे डबल लेके आना। लेकिन ये वहाँ तो सस्ती नहीं होती, ये होती है नहीं बेल्जियम में। अब तुम्हारा फेवरेट कॉफी कौन सा है? आपको याद है ना, इसे जाने से पहले हमने कहा कि हम इसे कॉफी एक दफा पिला ही लेते, वहां ये कह रहे कि व्हाट इज दिस बर्न टी। हाँ तो वो क्या था? बहुत डिसअपॉइंटिंग जवाब दिए कि वहां जाके भी तू अब कैपेचिनो कह रहे। उसी में एक टेस्ट बिल्डअप होता है बस। अच्छा वो नहीं हुआ, मुझे हार्ड कॉफी वैसे ही नहीं पसंद। हाँ ये बात सही है, तो बहुत ये इधर भी जब तक चार चमचे दूध के नहीं डाल। ठीक है, ऑलराइट, मोर एसएमएसेस एट 8833। महा कहती है बुखार नहीं फजी भाई, बुखाद पन। यार अगर ये एसी नहीं तेज हो रहा, बुखादा पन, बुखादा पन, एसी नहीं तेज हो रहा यार, पंखा ही लगा। यार इसने आते साल मुझसे यही कहा था कि यार जब से मैं इधर आया हूँ ना, गर्मी की वजह से मेरे से तो कोई खाया ही नहीं जा रहा। -15 का इलावा है तो कैसे खाएगा? All right, welcome Ali, glad to hear you again. You can join us on Facebook. All right. Anyhow, इसके काम क्या करेगा? अच्छा वैसे एक चीज पे मैं और जरा सोचने दे रहा हूं, ब्रेक वाला रिवाज खत्म हो गया। नहीं ये इसी पे मैं आ गया, 45 पे आऊंगा, 45 आपको 2 मिनट गाना भी सुनाएंगे। ये इसने इतने दूर से ये आया, वहां से इसने ये हाई फाई सोसाइटी में म्यूजिक कौन सा सुना है? एग्जैक्टली नहीं नहीं, मैंने फिर भी उनका अजीब ही कोई वो म्यूजिक है। नहीं उनका जो जरा ट्रेडिशनल म्यूजिक वो तो मजे की नहीं है। नहीं वो बिल्कुल, वो ज्यादातर वहाँ पे वो ही चलता है। हाँ लेकिन उनका वो क्लब म्यूजिक, टेक्नो म्यूजिक, वो तो सब है। हाँ तो उसमें क्या पसंद है तुझे? तुझे आज उसमें आप, वो जगह जहाँ बजता है। हाँ नहीं ये जवाब पहुंचते है ना, ये जवाब पहुंचते वो कहते हैं व्हाट म्यूजिक यू लाइक, आई लाइक मैं थोड़ा सा लाइट हुए, आप लोग हैवी हो रहे हैं। अजय तो क्या गाना आज आपके लिए चलाए? टेल अस कोई फेवरेट। खैर पुराने ही बता दो, बारबी गर्ल जो पसंद था पहले, आप क्या डांस म्यूजिक चलाना चाह रहे हैं? जो भी आपको पसंद हो, हम तो कह रहे हैं आप बाहर से आएंगे, लोगों को पता लगे आजकल ये फैशन ट्रांस ला दे। फसी भाई तो आजकल एड सुन रहे हैं केबल में जो दरमियान में आते हैं। हाँ। के। अच्छा तुझे ट्रांस में कुछ चाहिए? अरविंद का चला दें, कोई अरविंद का अरविंद okay. जिसके हम म्यूजिक चोरी करते थे। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव गॉट। फसी भाई आफ्टर टाइम चेक। ओके आफ्टर द टाइम चेक वी आर गोना प्ले यू सम अरविंद वैन ब्यूरन एंड दैट इज फॉर अली। इट्स 10:45
All right, we're back once again. This is Radio 1 FM 91. That we played was on the choice of Ali Shahid, Armin Van Buren. The song was Blah Blah Blah. Aur hum to kab laga rahe the, hame pata nahi laga ki iska zauk aur shauk koi better bhi hua hai wahan ya nahi hua. Nahi nahi, isse to randomly mujhe bhi lagta hota hai. Haan. Isse ka, ye kya, ye Belgian hai Armin Van Buren? Ya ye Dutch hai? Ye German hai? Achha. ये तो हम नहीं डच है तो नाम भी अभी तक नहीं जान चुका ठीक है All right, let's see what else we've got. More messages coming in on Fasi Zaka Official. Sarmad Ali kehte hain, welcome Ali bhai. Dam fund mein bhi bahar wale earnings se sadka nikalna hamare liye. ठीक है. ठीक है ना? और तू इनको समझा ना कि ये डैम शैम जो है ना ये चंदे पे नहीं बनते ठीक है ना अब्दुल बासित सेज आई लाइक द वे आई लाइक गुजारा वे ठीक है ना एंड अली जेडी साहब सेज मोका ट्राई करने का बोलना इट्स मोका नॉट मोचा ठीक है ना महा कहती है इन्होंने लते दी चादर ही बोलना है आज भी एंड आज तो एड ज्यादा हो गए बड़े लोग आए हैं सेज महा ये वैसे सही है Pepsi का CEO ने कहा कि इनको आज डबल दे अली इज बैक ठीक है ना रबी अजिया से कॉफी चॉकलेट्स लगी हुई है बेल्जियम से आया अली भूख हड़ताल से नहीं आया गुड वन रबी अजिया ऑलराइट महा से या अल्लाह फसी भाई भूखपन भूखापन क्या से क्या बना दिए इसने ये क्या लफ्ज इसने मुझे कहा था भूखड़पन भूखापन तूने फिर बताया कि नहीं ये लफ्ज है अच्छा ठीक और वेदर इन लाहौर से सादिया शाह दे आर सैड रोबोट्स वो कहती है वहाँ कहती है अभी तक नाम याद नहीं हुआ मुश्किल था कॉफी का एंड बुखार नहीं फसी भाई बुखड़पन भुखड़पन सर भुखड़पन जिसका मतलब है कि भूखापन अच्छा अच्छा भुखड़पन अब मुझे समझ आया Okay, you can join us on Facebook, Fasi Zaka Official. You can call us at 051-111-111-191. Ali ki best caller aa gayi. Ji, hello. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Mama baat kar rahi hai. Oh. नहीं वैसे मैं अभी पहले से बता दूं एक चीज कि जब अली आया था ना और हम उसके साथ गपशप लगा रहे उसने कहा कि मुझे उमैमा की काबिलियत का एहसास बेल्जियम में हुआ मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो कह रहे थे कि अब मैं समझ आया कि जावेद चौधरी जो थे कोई बॉम्बे नहीं मार रहा था चौधरी का बच्चे हाँ। ये बात नहीं पता है क्या जब ये जा रहा था तो वो शो मैंने मिस कर दिया और मैं अब तक पछता रही थी कि यार मेरी बात नहीं हुई अली से नहीं ये भी बहुत पछता रहा था नहीं था नहीं हूँ लेकिन मैं आपको जल्दी से अपडेट दे दूँ जब से आप गए हैं अली ना जी और मेहमान ने अपना ये जिम्मेदारी समझ लिया कि ये शो जो है ना जब तक तुम वापस ना हो ये ठीक करेगी इसे ये इनके 14 नुकात भी आ गए हैं कि ये शो कैसे रन करना है मसला सिर्फ ये है कि उन्होंने सिर्फ अब आज तक हमें 8 बताए अच्छा हाँ वो पता नहीं अब उसे याद है या नहीं 8 किससे रिलेटेड है शो से जी 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 14 नुकात शो के ही हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 बीच में क्या बड़ी ईद आ गई थी इसलिए स्टॉप किया ये बस आपको पता है नहीं बीच में कुछ स्कैंडल आ गया था नहीं तो मैं तो तारीफ ही कर रहा हूँ इनकी जो नंबर 1 नुकात थी कि शो में डबल कॉल नहीं होगा अच्छा और तीसरे दिन पे इन्होंने डबल कॉल खुद कर ली थी तो वो स्कैंडल की वजह से वो जरा मसला शुरू हुआ जी बाकी इस शो में ऐसा तो फिर आवाम बर्दाश्त नहीं करती नहीं बर्दाश्त वो बड़े सख्त हो जाते हैं लोग सर मैं कहता हूँ एक बंदा तो मतैर लेके बाहर खड़ा हो गया और फिर 5वां नुकात ये था कि आप किसी और की शोहरत पे अपने लिए शोहरत नहीं बना सकते अच्छा हाँ इस पे नाजो से लड़ पड़ी तो ये जरा स्लो प्रोसेस है हमारा लेकिन इंशाल्लाह हम मार्च तक 14 नुकात पूरे हो जाएंगे उम्मीद मैं भी करूँ या नहीं अगली दफा अगर मैं आया तो हाँ होपफुली 8.5 या 9 तक हो जाएंगे हाँ तब तक तो हम लिख भी देंगे नहीं बाकी के जो नकात है उसमें से अली भी कुछ बता सकते हैं इसका भी बहुत पुराना नहीं नहीं आप इजाजत दे दे एक व्हाट्सएप नहीं किया उधर जाके तो ये वहां से हमारे लिए नुकात बनाया
मेरी बात ईद में सलाम दुआ की करना तुम्हारी तरह वो फारिग तरीन नहीं है, वो बहुत बिजी बन रहा है, ठीक है ना? ये बात सही तो ये तो बहरहाल अली के जा सही कह रही है। नहीं यार मैं दो तीन दिन बहुत फ्री रहा, मैंने मूंछें काटी वो भी कैंची की एक बार। आज मैं इतना फारिग हूँ अपने बाल भी खुद दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि ये वापस आके शो को कंटिन्यू किया। पाकिस्तान में आके से एहसास हुआ कि मेरे कुछ दोस्त हैं। अच्छा दो हफ्ते भी गुजारने हैं यहाँ। असल में फसी भाई की एडवाइसेस भी कुछ इसी तरह की याद है फसी भाई इन्होंने कहा सबसे पहले जाके तो पाकिस्तान के सब दोस्तों को बाय बाय कर दी, किसी को हेलो आई नहीं करना, इसने सबसे पहले हम ही ब्लॉक किया। यार वो तो मैंने यहाँ की सिम आके डाली तो फिर आपके नंबर आ गए। तुम अच्छा अली तुम ये बताओ मैं आप, नहीं आज शो में मैं सबको आप कह रहा हूँ तो आप कहें ये भी सही अच्छी पॉइंट नहीं कहो आप प्लीज। ये कितना चेंज जाए अली में वरना तू तू इस और कभी मैं तो कहता तेनू की है मैं तेरी फोन कर वैसे मैं अजाइल से वुमेन बन चुकी हूँ, बहुत चेंज आया है मेरी लाइफ में भी। जी 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 बच्चों की अम्मा बन चुकी हूँ तो आप ही कहने वो तो पहले भी थी आप, मैं तो समझ रहा आप बुढ़ापा आ रहा आप पे। हाँ बस बूढ़ी हो रही हूँ आजकल तो। अच्छा आपको मैं आपको दो चीजें बता दूं कि उमैमा के पास अब एक गाड़ी भी है और एक रिक्शा। वो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है जब ट्रैफिक ब्लॉक हो फुटपाथ पे चलाती है। जब ये विलिंग मार के चढ़ती है फुटपाथ पे तो गटर खुले होते हैं। यार मेरी बात सुने, कम से कम आज तो मुझे बस दिन आलों की गटर की बात है आज तो ना करें, वैसे तो हम लोग कहते ही रहते हैं। हाँ ये बात सही है बिकॉज आपको क्या पता है कि ये अली फिर क्या बातें करेगा बेलचिप में। और आपको पता है कि मेहमा का शौक है कि किसी दिन किसी बाहर मुल्क में जी मेरा ट्रेवल हो जाए। वर्ल्ड का भी था इनका कोई इरादा टूर का, थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वीज फ्लॉप से फ्लॉप हुआ, अंडा हिट हो गया अंडा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा चीज बताओ तुम शौक हो नहीं मैमा, मैं जरा इसे अप टू डेट कर रहा हूँ ना ये मैमा, अभी हमने अभी भी वो ओपन है हमें एक इनाम है। अच्छा हाँ होंडा सिटी करोला पिन पैक गाड़ी हम दे रहे हैं। ये तो थोड़ी मत मारे यार, ये कब हो गया सर? हाँ फसी भाई ने स्पॉन्सर ढूंढा और डायरेक्ट उससे कहा कि सिर्फ मेरे शो के लिए हो। मेरे होते हुए तो आपने बम्पर की क्लिप नहीं कभी। और तुझे पता है और वो कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं है जी, सात दफा उन्होंने चुना किया है, मेटालिक कलर उसका निकला, व्हाइट भी है बट मेटालिक स्टिल, ठीक है ना? बहुत हाँ देखो आप से अच्छी क्वालिटी का डिस्टेंपर तो करवा लेते हैं जी। अली तुम्हारे जाने के बाद सची बहुत चेंज हो गए, बहुत लंबी लंबी छोड़ने लगे। और कोई इसमें 14 सवाल है जी, ठीक है ना? जिसने पहली दफा ठीक कर दी और लेकिन अभी तक किसी ने आप जो है ना 5 सवाल गलत कर सकते हैं। अच्छा 14 में से, ठीक है ना? बड़ा बड़ा यार टॉलरेंस है बड़ा, नहीं इसमें किसी ने अभी तक जीता नहीं है। उमैमा नजदीक आ गई करीब आई लेकिन उमैमा इस पे खराब सवाल पे खराब हो गई थी जब हमने कहा कि व्हाट इज अ लैम्बोर्गिनी और इसने कहा कौन सी मुर्गी। स्पॉन्सर वाले बंदे की कॉल आई, उसने कहा इसके सारे जो आंसर भी सही हुए हैं सब पे कांटा मार दो। इसका कोई सवाल भी दुरुस्त नहीं है सारे। और हमारे स्पॉन्सर ने कॉल कर दिया था कि अगर इसने लैम्बोर्गिनी को कम से कम ये कहा होता तो हम इसे दे देते, कि ये कह दी थी कि ये लंबी मुर्गी होती है, ठीक है ना? लेकिन वो भी इसने नहीं कहा, इसने कहा कि कौन सी मुर्गी। यार असल में उस टाइम पे मैंने ये आंसर इसलिए दिया मैं
बड़ी बात कर रही थी और सामने वाली घर वालों ने मुर्गियाँ पाली है, पूरे मोहल्ले में उनकी मुर्गियाँ घूमती है। मैं बात कर रही थी तो एकदम ध्यान उधर गया तो फिर मुँह से निकल गया कौन सी वाली तो वो गाड़ी अभी तक हमारे पास है, शोरूम में बैठी है, हॉटेस्ट सिटी का रोलर कार्पिन पैक। फसी भाई एक टाइम चेक हो जाए, एक सेकंड होल्ड कीजिए मैम। इट्स 11 PM टाइम चेक स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड। चलती जाए साडे टुवर्ड्स सिर्फ एक्साइड। हेलो हेलो हाँ जी, बस बहरहाल वो देखिए वो जो आपने वर्ड बोला है मैं दोबारा रिपीट नहीं। वो नाराज नहीं हुए थे आंसर सर, उसने कहा जो बाकी इसके दुरुस्त है उनको काटे हो, इसको के दोबारा प्लीज जब तक गाड़ी कोई विन नहीं करता आप ना कॉल करिए, लेकिन तो आपकी वजह से। और मेहमा ने हसद में अब सबको कह दिया कि ये गाड़ी है ही नहीं। अच्छा वो जो यहाँ बाहर को खड़ी हुई है, एग्जैक्टली उसकी लुक्स देखी है आपने। बिल्कुल उसका बोनट लगता है, आपने खुद डिस्टम्पर किया सर, हमने खुद सेवन टाइम करके उसे मेटैलिक। मैंने सीनियर मैनेजर को कॉल किया था और उन्होंने ये बोला था ये झूठ है, ऐसी मजाक कर रहे हो। ये देख ये दिन बस जब बंदा नहीं पहुंच सकता ना तो वो कहता है अंगूर खट्टे। एक्सबॉक्स भी तो हमने दिया। हाँ एक्सबॉक्स भी दिया था हमने तो बकरे भी दिए। वाले सवाल से मैं बहुत जो है जज्बाती हो गई थी तो इसलिए मैंने पूछा था कॉल करके क्या ये सच है। मैंने कहा ये सच नहीं है और वाकई में कोई कार अभी तक किसी ने जीती भी नहीं है। आपने जान बूझ के इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछने के बंदा पागल हो गया अगला बंदा। तुम तो अब बाहर मूल के बंदे हो, तुमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड एंड फैशन तुझे पते होते हैं। वहाँ की भी रेडियो में ऐसे ही होता है, कोई आसान सवाल से तो कोई गाड़ी नहीं देता। गाड़ी की तो नहीं, वो अगर मुर्गी जीतनी हो तो शायद आसान सवाल होता है। वो भी वो वाली मुर्गी जो हेपेटाइटिस की मरीज हो। देखे मैं पिछले वीक से अब तक यही सोच रही हूँ कि यार मैं कितने परसेंट का हेलू, मैंने एक आंसर भी नहीं दिया। और मैं आपके तो पांच सवाल ठीक थे, पांच ठीक दिए, चार छठे पे तो ये हुआ यार वैसे इतनी जहानत इसमें कैसे आई यार। और मजे की बात है जो इसके रॉन्ग हुए ना उन सब का आंसर एक ही था, इटली। सारे नहीं कहा और पांच आंसर इसी तरह इसके ना जो थे कहाँ इडली और कहाँ कौन सी मुर्गी। मतलब क्या चाह रहे हैं यार। मैं ये बोल रही हूँ अली तो अभी तक यही सोच रहे हो कि क्या मैं पहले जैसी जाहिल ही हूँ या थोड़ी सी नहीं, इस पे मुझे शक नहीं है। नहीं लेकिन ये शो वैसे जावेद चौधरी नहीं भी सुना, वो रो पड़े जी कि वो कहते हैं कि ये तो मुझे भी पता है कि मुर्गी नहीं है। कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के कॉलम्स में ऐसे वैश्याना मुर्गी का लफ्ज बात सुने आप मेरे इमोशंस का मजाक उड़ा रहे हैं। वो मेरे मुंह से निकला था कि कौन सी मुर्गी, मुझे मुर्गी में लगा था वो नेचुरल था। नहीं लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये अली आपको तो पता है कि पहले से भी जरा प्राइवेट लड़का था लेकिन अब तो बेल्जियम में वहां तो सोसाइटी ऐसी है। लेकिन जब ये वापस आए उन्होंने पहले सवाल हमसे यही पूछा कि ओमेमा कैसी है। इनको इनको ये इनका सवाल था, यही था कि वो ठीक है। हाँ मैंने कहा था कि मुर्गी ठीक है। नहीं वैसे अली देखो तुम उनसे बात करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खुशी हुई बहुत ज्यादा क्योंकि आज फिर KFC का वो बता दो। गुड क्वेश्चन, क्या मैम KFC का क्या मतलब है यार, सीरियसली फोन करने के सोचती हूँ अभी। ये आप क्या कर रही है जावेद चौधरी, क्या कह रहे हैं। आसान सुनाया था लफ्ज याद करें पंजाबी में। नहीं मुझे आलू की टिक्की याद है लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली देखो इसे नहीं याद आ रहा था, इसने कहा ये याद रख के आलू की टिक्की, तो हमने फिर बता दिया कि ये केंटकी फ्राइड चिकन, ठीक है ना।
फ्राइड चिकन आप लोग देखे इम्तिहान लेते रहते हैं और मैं बहुत जो है मासूम सी लड़की हूँ। उस इम्तिहान के बदले में तुम्हें गाड़ी मिलनी थी। नहीं उस दिन होंडा सिटी कार करोला तुमने एक चॉकलेट कभी जाई नहीं बड़ा गाड़ी भिजवाओगे रहने दो बस। ये बस आप ये तो कितनी खूबसूरत गाड़ी है इसने खुद देखी है हमने पूरे प्लास्टिक में उसे रखा है टायर टायरों पे भी हमने प्लास्टिक हाँ बिकॉज आजकल बारिश हो रही है तो वो बच ही रही उसके स्टेयरिंग की जगह वॉक्स वैगन का। हाँ अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है अनिल से वो ये कि तुम्हें वहाँ पे कम से कम खाना तो बनाना आ ही गया होगा क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं तो किचन का काम खुद ही कर रहे होते हैं है ना। आ गया हाँ। ये तो बहुत आसान सवाल है वैसे एक चीज है तुम्हें उन लोगों के खानों में क्या पसंद है ये प्रोफिटरोल्स खाए नहीं एक साल पहले ये ये इसका जवाब होता बिरयानी सिर्फ तुम नहीं हुई तो क्या हुआ जवेद चौधरी चेंज हो रहा है। नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो खा पे खाने पीने में मैम की याद तो तुम्हें बहुत ज्यादा आई होगी मुझे लगता है क्योंकि तुम बैचलर हो और शादीशुदा नहीं हो इसलिए खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे एक चीज है ये मौका है अगर कोई एडवाइस आप दे सके अली को कि वो अपना करियर कैसे बनाए। मैं प्याज का छिलका कहाँ से काटूं ये सोच रहा था कि यार इनसे क्वेश्चन कैसे करूं कि मैं प्याज काटना सिखाऊंगी आप लोगों को क्या मतलब है एग्जैक्टली मुझे कोई गलती से वर्ड निकल जाए तो आप लोग बदले ले रहे हैं मुझसे। हाँ गुस्सा कर दिए। हाँ नहीं ये तो आपको पता है इसकी पुरानी आदतें हैं वरना अब बेल्जियम में ये अभी एक घंटा पहले ये बात नहीं करता लेकिन वही जरा स्लोली हम इसे मिलजुल गए महफिल का असर आ गया। हाँ। और इसी तरह उधर भी होता होगा। हाँ। लेकिन मुझे बात करके वाकई वैसे ही लग रहा है कि मैं पुराने वाले अली से ही बात कर रही हूँ ये यंग रहता है मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं आया और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। इंसान को दूसरों के लिए नहीं बदलना चाहिए जो इंसान का अपना होता है वो वही रहना चाहिए ये बात सही है। तो इंसान का क्या फसी भाई जो इंसान का अपना होता है वो हाँ उसको बांध के रखना चाहिए बांध के रखना चाहिए इंसान की जो अपनी मुर्गी होती है वो कम से कम बांध के रखनी चाहिए। देखें एक और बात आखिरी बात कह रही है फिर मैं फोन लेती हूँ पुरानी आदत होती है वाकई में वाकई में बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और जब भी पाकिस्तान आया करो शो जरूर किया शो जरूर किया करो फेसबुक पे मसाले मारा करो क्योंकि हम लोग जो है ना तहमीन का बुला वजह का गुजारा हो रहा है यहाँ पे के साथ बिला वजह गुजारा ही होगा। ठीक है ओके बाय अल्लाह ओके बाय बाय। All right, let me read some messages now on Facebook. Fasi Zaka official hai, our fan page. And Maha kehti hai, sabko hifazati belts bandhna chahiye. Aur Sadia Shah kehti hai, Fasi bro, to be honest, 89 is not a bad channel. The music is great, the RJs are cool, and you know what the best thing is? No technical issues whatsoever. Okay, Pretty Khan says, lekin pehle nukte pe aaj tak amal kisi ne bhi nahi kiya. Ye masla hai. Ali JD Saif kehte hai, aaj to Javed Chaudhary ne show hi kar diya. Ali Return saazish hai. Aur Mehma ke khilaaf Maha kehti hai, kis ko yaad ho na ho, mujhe yaad tha. Ali bhai aise na kahein. Akhlas Ahmed kehte hai, काश उमैमा को पाकिस्तान में जॉब दे देते हैं। एंड देन महा सेज, अरे भाई उमैमा आपको आपके जाते ही बहुत मिस करना शुरू किया था और
वैसे आज बड़ा पोलाइट इनके इंटरेक्शन था, वरना अली इनका पुराना दुश्मन है। अब मैं तमीजदार हूँ। इखलास इमा हा कहती है उमैमा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। एन महा कहती है वाह चलो एक वीक में उमैमा ने अपने डिफेंस के लिए स्टोरी भी सोच की है कि ये क्यों इसने कहा कौन सी मुर्गी, ठीक है ना। एन अली जेडी साहब से फसी भाई जो भी ये गाड़ी विन करेगा मेरी तरफ से 6 माह के लिए फ्यूल फ्री। या क्या आदमी है अली जेडी सैफ, इसी भी पता है कि इस इनाम की अहमियत क्या है। अपनी मेरान उसी एनजी पे चला। हाँ महाहा सेज उमैमा से केएफसी किसका अब्रीविएशन है दोबारा पूछा। ओ महाहा ने ये सवाल हमें किया था, बहुत जबरदस्त सवाल। ब्रावो किंग कहते हे वेलकम अली शायद भाई, और ब्रावो ब्रदर से बात आया। हाँ बड़ा उन्होंने फेस भी बनाया कि ये कैसे। इन महाहा कहती है मेरा सवाल चोरी हो गया था, अब्दुल बासित से केएफसी से कुकड़ी फ्राइड चिकन बनता है। ऑलराइट यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फसी ज़का ऑफिशियल। एसएमएसेस आप हमें कर सकते हैं 8833 FM 91, उसमें जरूर लिखिएगा। महेश बलोच कहते हैं अली के आने के 7 शो में 4 चांद लग गए हैं। महेश बलोच कहते हैं अली का तो एक बहाना ही है फसी भाई, आपका मूड हो रहा है सॉन्ग चलाने का। एंड फसी लेट्स डू 5 आवर शो टुमारो एज अली इज हियर। रिमेंबर वंस यू डिड दैट लॉन्ग, वो था हमने लिजी वॉर के साथ किया मिला था मुझे एक बार। हाँ आप थे उस टाइम जब वो मिला था। आई एम फ्रॉम कराची, आई एम उमर। सर ये उमैमा कौन है, हर ये लिसनर उमैमा की बहुत बात करते हैं, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ। ये तो हमारी कॉलर ऑफ द सेंचुरी है, ये तो बहुत बड़ी दानिश्वर है। वेलकम अली, सो ग्लैड टू हियर यू अगेन, कीप कमिंग टू द शो टिल यू आर हियर। अली की आवाज कम है इंजीनियर। एंड नाजो ये देखे तेरी तुम्हारा दस, नाम भी अब नहीं लेते ये 10 बजे पड़ रहा है। और अली नाजो अली पे हमारा ले किया लिया हो। नाजो अली पे हमारे लिए क्या लाए हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आ गया। अगर आपको पता ना हो कि 8 साल से शो सुन रहा हूँ, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट एंड देन यू कैन जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल 0315-111-9191 एंड यू कैन कॉल अस एट 0511-111-1191। हे आई एम इकरा, नाइस शो, वेल थैंक यू सो मच। And you can join us on Facebook, Fasi Zaka Official. Umair Nadeem says, Salam, bravo, bhai, kaise ho aap? And then he says, Wassalam. And Umair Nadeem kehte, Umaima, aise to na bolo, Tehreem ne to show sambhala hua hai. Warna Fasi bhai to bahut busy hote hain. And then Maha kehti hai, jhoot to na bolo, Umaima, pehle aap Ali se itna ladti thi, ye in dono ne, waise in dono ne aaj kya हाई लेवल किस्म का मुनाफकत की है। ऑलराइट, ओके ओके। अली जेडी साहब से तरीम बाकर कहीं कहनी समझ लो, ज्यादा जहन पे जोर मत डालो। महा कहती हूँ मैं बेल्जियम की बात हो रही है, बैंगन की बढ़ते की नहीं। एंड उमैमा बेल्जियम को भी बोलती है कौन सी बलगम। ओके ये रबिया ज़िया है, रबिया ज़िया जब भी मैसेज करती है चक्कर मारती है। ओके वी कैन टेक अ क्विक टाइम चेक। इट्स 11:15 PM टाइम चेक स्पॉन्सर्ड बाय All right, we're back once again. This is Radio 1 FM 91. Remember, if you want to call us, the number is 05. Call BA. Okay, let's take a call. Hello? Hello, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Fasi bhai, kaise hain aap? I'm Ali Raza from Islamabad. Kaise ho, Ali? Main tik-tak. Aap sunaye, kaise hain aap? Kaise hain? Tik-tak. Aap kya karte hain, Ali? Sir, aap se pehle bhi meri baat ho chuki hai. Main Air Force mein hota hoon. Haan, haan. Toh kya ho raha hai aajkal? Bas, same old life. Naukri chal rahi hai. Achha. तो आजकल आप सुनाए आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है। आपको तो पता है अली वापस आ गया है 1 साल के बाद। हाँ बेल्जियम से आया है वापस। उसको कहें किस चीज नए पाकिस्तान ने वापस बुला लिया उसको। नहीं नहीं ये नहीं, तो छुट्टियों पे आए, पीर वदाई से नहीं आया बेल्जियम। तो वापसी कब है इनकी? बस ये एक ही हफ्ते वहां, तो अभी 1 साल रहता है इसकी डिग्री का। अच्छा अच्छा, चले चले गुड टू हियर हिम बैक। तो आप क्या है, फ्लाइट वो है उसमें या इंजीनियरिंग में? सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ।
अच्छा ये तो मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपने मुझे लास्ट टाइम एक देखी यही बात बोली थी, मुझे याद, मुझे हमेशा उसी की याद आती है, बहुत अच्छा लड़का है। कभी कभी आपके उस दोस्त से मुलाकात करनी पड़ेगी। हाँ जरूर, या वो गुस्से का बहुत तेज है, बहुत तेज शायद नहीं पूछता वो, गलत फहमी ना। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। और आप लोग सुनाएं। नहीं नहीं सीनियर है, क्या बात कर रहे हो, क्या हैंडल कर लोगे, तुम इससे बात करो, सीनियर है सीनियर, तू बहुत ही छोटे लेवल का समझ बैठे, सीनियर को हम सर कह के हैंडल। बहुत आला बहुत आला, मैंने उसे देखा है, वो जितना मर्जी डिसेंट हो जाए गुस्से में आग, वो यही कहता कान पकड़ तो मतलब आप सबको बारी बारी कान पकड़वा चुका है। वैसे बस चले वो अच्छी बात है। हाँ तो और क्या हो रहा है, तो यहाँ क्या देख रहे हो, लॉजिस्टिक्स मेस क्या चीज? नहीं बेसिकली तो आप इसको इन सिंप्लीफाइड वर्ड में इस तरह बता सकते हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को सुपरवाइज करता हूँ मैं, एक डिपार्टमेंट को। अच्छा अच्छा ठीक, ये तो बहुत अच्छा, लाइक दैट वेरी गुड। हाँ जी तो, और अली भाई सुनाए कि बेल्जियम के क्या हालात हैं, हाउ इज द वेदर ओवर देयर? वेदर अ बिट कोल्ड, वहां पे सर्दी है काफी यहां से। वैसे कोई 700 साल हुए कोई बेल्जियम वेदर के लिए नहीं गया कभी। 700 साल हो गए। ये वैसे भी लास्ट टाइम जो था ना, नहीं वो कह रहे हैं कि अभी 150 साल में वो रेगुलरली बहुत अच्छा है। नहीं अभी वेदर उसका चेंज हो रहा है। हां वेदर तो पूरी दुनिया का ही चेंज हो रहा है, वो तो अल्लाह खैर ही करे, लेकिन बहरहाल फसी भाई ने बड़ी को प्रिसाइज 700 साल की वो दी है, उसकी को खास वजह होगी यकीनन। बस यही आपको तो बस पता है, तुझे हम जो जुगत लगाए ना घुमा फिरा के उसी का जिक्र किया बर्बाद कर देता है उसके अंदर कुछ रहने नहीं देता। तो और आप लोग सुनाए आज क्या मजे की स्टोरी है आज की? आज तो आपको पता है बस हम जरा ये गिफ्ट, लड़का बहुत गोरा हो गया है वहाँ तो हम इसे जरा देसी बना रहे हैं फिर, और ये वहाँ से चॉकलेट लाए हैं मेरे लिए, बेल्जियन डार्क चॉकलेट लाए और तेरी के लिए किटकैट लाए। वो मैं इधर पंप पे रुका था, मैंने सबसे बड़ी बात है कि तेरीम खुश हुआ, उसने कहा तू तो मुझे बहुत सही तरह जानता है, तू मेरे लिए बोरा लाया यार। मैं यही डर रहा था कि मैंने छोटी सी डब्बी ना पकड़ा। तेरीम ने तो एक दफा दुकान में रोला मचा दिया था जब इसने सबसे महंगी चॉकलेट ली थी और उसमें 6 दाने थे। 1000 का पड़ गया। और मैंने कहा तुम इतने कितने खोखा खोल के बैठे हो, तुम सनीमा में बैठे हो। चले ये तो फिर इसका मतलब है चॉकलेट ट्राई करने वाली चीज़ है ये वाली। नहीं नहीं ये तो वो जो जब कोई इसे डार्क चॉकलेट देता है तो ये पहले उसे डबोते है चीनी दान में। यार अभी भी कड़वी है। ऊपर शहद लगा के खाने वाली। Anyhow, so, it is always nice कि आप लोगों से बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। You too. बहुत अच्छे बात सुनने को मिलता है, आपको पता है आजकल रेडियो सुनने का टाइम नहीं मिलता इतना ज्यादा, वही जब कभी आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अनकॉन्शियसली आप को सुनने को मिल जाए, तो it's always a very nice feeling. Thank you so much and I wish you the best of luck always. Sir, thank you so much. It was good to hearing you after quite a while, Ali bhai. पता नहीं ये इतना इंसान नहीं है जो मुश्किल है। तो अभी फिर भी इतना गोरा नहीं बना इस दफा, पता नहीं कैसे प्लान एकदम। ठीक है ओके थैंक यू सो मच अली। ऑलराइट मोर एसएमएसेस एट 8833। फजी भाई प्लीज अबो मेमा की कॉल आया तो उनको बोलो कि एक सॉन्ग गा के हमें दिखाएं, बिकॉज मुझे उनकी हंसी बहुत अच्छी लगती है और मेमा तो है एवरग्रीन स्टार, ये बात तो सही है आपकी। मैं विजबुलुत से अली के आने में से शो 4 चांद लगे हैं। ऑलराइट लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव गॉट, मोर मैसेजेस ऑन फेसबुक। फसी ज़का ऑफिशियल, मेमा कहती है जितनी महंगी चॉकलेट होती है उतने ही स्मॉल होती है, ये एक चीज है ना, इसलिए तो जावेद चौधरी इनकी तज़िया की क्वालिटी एक सेंटेंस। अब हम बकवास कर रहे थे 1 घंटे से, ठीक है ना, समझाने के लिए समझाने।
تریم کو کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے کہ واٹ از ڈفرنٹ کبھی کافی کا ذکر کافی کا ذکر چینی کا ذکر زبردست جملے میں میمہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا مہا کہتی ہے یہ چھ اب میں جب بھی جاؤں بڑی چاکلیٹ پکڑوں مارکیٹ ہاں ایگزیکٹلی مہا کہتی ہے یہ چھ دانے والا کام میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر مہا کہتی ہے ویسے ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جتنی مہنگی چاکلیٹ ہوتی ہے اتنی چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس میں اور جو اس کی ڈبی ہے اتنی سخت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا صحیح کارڈ بورڈ سخت والی اس کی ہوتی ہے مہا کہتی ہے ویدر ہی پوچھنا تھا تو پی ٹی وی والے ملکن ڈویژن کی طرح تو نے پوچھا ٹھیک ہے نا براو کنگ کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے لاسٹ ویک کن سٹارز نے کال کی او براو کنگ نے سوچ ہے یہ بھی ایک بات ہے جی لاسٹ ویک ٹھیک ہے ہم کر رہے تھے پروگرام تو مومنہ مستحسن نے کال اچھا ٹھیک ہے نا پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا پھر ہم نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی یہ سب کچھ پھر ہم نے اس کی ایک دو کہانی لیکن ہمارے جو لسنر ہے نا جی یہ جلن سے بھرے ہوئے لسنر انہوں نے کہہ دیا کہ تم لوگ تو یہی کر رہے ہو کہ اس کے اب گانے چلا رہے ہو اسے تعریف کر رہے ہو اس لیے کہ تم ان کی دعوتوں پہ کہیں یہ بلا لے آپ کو تو ان کو کیوں آگ لگ دی ہے کہ بھائی جی کی کوئی پروموشن ہو جائے اس میں بھی انہوں نے ٹانگ لڑایا پھر عزیر جسوال نے بھی کال کیا حالانکہ میں جگتے مارنے کے چکر میں تھا مگر مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی ریئل پرسن ہے یہ تو ڈیفرنٹ گیم ہے گیم ہی کسی اور طرف بالکل سائلنٹ ہو گیا میں نے گوگل شروع کر دیا آپ نے ان سے وجہ نہیں پوچھی اس طرف آنے کی یہ ہم نے اسے پوچھے کہ مومنہ آپ کے حالات برے ہو گئے جی بالکل مگر اس نے یہی کہا کہ فضل بھی میں آپ کی بہت بڑی بگ فین ہوں لیکن بس یہ لسنر سے برداشت ہی نہیں ہوا ان سے تو عزیر نے نہیں کہا تھا عزیر نے آپ نے بلکہ اسے کہا تھا شو دے تو مجھے نہیں اچھا لگتا تو مگر مجھے یہ ان کا جو فرینکنس تھی یہ مزہ آیا اس پہ انہوں نے کہا نا شو دے تو مجھے نہیں پتا اور طاہر کی بھی آئی تھی ٹاپ آر جے ہاں یہ بات صحیح اس نے پرومو سنایا تھا ہاں وہ بھی یہ بھی ہوا اچھا وائس اوور ٹاپ آرٹسٹ ہاں مہا کہتی ہے آپ کے محلے میں جتنی بھی کیبلز ایڈ ہیں اسی کی آواز میں مہا کہتی ہے یہ ایئر فورس والا بندہ بڑا چنگا ہے اینڈ مہا کہتی ہے سفارش کروائے گا انگریزی توتا اینڈ دین مائی کار ڈزنٹ ایگزسٹ سیز مہا میں ندیم سے سلام براوو بھائی کیسے ہو آپ آل رائٹ تو یہ ویسے اچھا کیا ہے براوو نے یہ بات صحیح ہے کہ یہ ہماری ذرا وہ ہے براوو کہیں کہتے مومنہ ویسے بچوں والی کار ون کرنے کے لیے آئی تھی یہ ہمیں بھی ذرا شک ہوا کہ مومنہ آپ جی آپ نے سن لیا کہ گاڑی دے رہے ہیں یہ تو آپ کی لیول کی بات نہیں ہے آل رائٹ مہا کہتی ہے پہلے مومنہ اور عزیر اور راج علی بھائی کیا شو کے دن بدل گئے اینڈ محمد اکرم ملک سے مس یو فسی بھائی او دس از گریٹ مبارک علی کا رنگ بھی تھوڑا سفید ہو گیا یہ سپیرا سپیرا نے بھی آج میسج کر دیا یہ آج کل یہ بھی فورن ملک میں ہوتا ہے یہ تو کہیں چلا گیا تھا یہاں سے ہاں ہاں اور سو اینی یہ تو بڑے لوگ آج ہیلو ہائی کر رہے ہیں یہ تو بہت بیسٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا اور امیمہ کہتی ہے تریم کے لیے مچلز ہی کافی ہوتی ہے یہ علی بھائی نے ذرا زیادتی کی ہے پرندے والی ٹاپک ہاں یہ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک روپے کی چار آتی اسٹور جایا کرتا تھا آٹا کہ توڑا لو تو ساتھ دو ٹافیاں دیتا All right, anyhow, if you want to call us. If you want to call us, you can call us at 051-111-111. SMSs آپ کر سکتے ہیں 8833 پہ. You can join us on Facebook. فزی ایوی خوش ہو رہے ہو مومنہ نے اپنی پبلسٹی کے لیے کال کی تھی ہمیں اپنی پبلسٹی کے لیے کال کری یہ تو مشکل ہے ٹھیک ہے نا اور مہوش بلوچ سے علی کے آنے سے شو میں چار چاند لگ گئے ہیں اینڈ مہوش بلوچ علی کی کو ایک بہانہ یہ ہے فصیح بھائی آپ کا موڈ ہو رہا ہے سانگ چلانے کا اینڈ
आज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आज शो लगा था या नहीं? यस वी आर लाइव। मैं इनको मैसेज ही कर देता हूँ, ये हम तो बड़े पर्सनल सर्विस देते हैं यहाँ। ठीक है ना? तो एनीहाउ, इफ यू वांट टू जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप, इट्स 0315-111-9191। यू कैन एसएमएस अस एट 8833 एंड यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फसी ज़का ऑफिशियल। महा कहती है बीपी स्पेसर्स भी एक होती थी, क्या याद करवा दिए हो मैम ने। ऑलराइट, लेट्स सी एंड नाउ, अभी कौन सा गाना आर्मिन वैन ब्यूरन का चला दे? आपको कोई याद होता है या आप सिर्फ अपना सर इसके साथ हट? ओके ठीक है ना, लेट्स सी। अच्छा, फसी भाई को आंसर पता होता है, पता नहीं क्यों अनाउंस कर देते हैं। हाँ। यार मैं इसका जवाब आपको अकेले में बताऊंगा। ओके, लेट्स सी हियर विनी वीची एंड आर्मिन वैन ब्यूरन and TJR and Uber Jacked. The song is SpongeBob. Ambition. Download our mobile app, FM91, or visit our website, www.fm91.com.pk, and listen to us live. All right, we're back once again. This is Radio 1 FM 91. You're listening to the Fasi Zaka Show. If you want to call us, the number 051-111-111. SMSs aap bhej sakte hain 8833 pe, FM91 usme zarur likhiyega. And you can join us on Facebook, Fasi Zaka Official hai hamara fan page. Then, kya dosti hai, Umayma Zubair kehti hai. ये सॉन्ग सुनकर दिमाग के तार भी फ्रेश हो गए हैं, ये तुम्हारी चॉइस की। मैंने तो सुना भी नहीं वैसे। हाँ वैसे मैंने सुने, मजे के था। अली जेडी साहब कहते हैं, उसने फिर तनकीद मारी होगी, कहते क्यों क्लब खेलने वाला अब क्लब सॉन्ग्स प्ले करवा रहा है। ठीक है ना? ब्रावो किंग कहते हैं मोमेना अगर असली पे आए हैं ना सारे, एंड पे असली पे आ गए, बस ठीक है, बस काफी हो गया, बेल्जियम से वापस आया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अपने आप को समझ तक क्या है। 40 मिनट सबने गुजारा की है, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है कि पहले हमारे पास रेडियो पे आम बंदा था, अब ये इसे ऐसे ये, अब इसके गाने भी हमें पसंद आने पड़ेंगे। ठीक है ना? ऑलराइट, ब्रावो किंग ने भी मार दिया एक, वो कहते हैं मोमिना अगर कोई असली फैन हो तो आज कॉल करे ना। ठीक है ना? देखो मोमिना ऐसी कॉल नहीं कर दिया, जब अगली दफा हम जीप दे रहे होंगे तब कॉल करेंगे। ऑलराइट, मोर एसएमएसेस एट 8833 एंड इफ यू कैन जॉइन अस ऑन फेसबुक फसी ज़का ऑफिशियल, हम आपके मैसेजेस वहां भी पढ़ते हैं, एसएमएसेस एट 8833 एंड और आमिर फ्रॉम कराची कहते हैं कि यार मोमिना ने उस दिन कॉल क्यों की जिस दिन आप कार दे रहे थे, इससे पहले कभी उनको एहसास हुआ कि कॉल करें? ठीक है ना? थोड़ा आवाम का शक है, आवाम का भी शक है, असल में गाड़ी भी कोई आम गाड़ी तो नहीं है ना। मैम इधर तक पहुंची, मुझे बड़ा अच्छा लगा के पांच सवालों के जवाब लेकिन वो आखिर में वो कौन सी मुर्गी पे जरा वो सीन ही डाउन, सारा ड्रॉप हो गया सीन। हाँ, वरना ये जीत सकती थी। और लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव गॉट। ओके एंड उमेमा कहती है अली लोगों की ज़हनियत के हिसाब से चॉकलेट्स ले आया है, स्मॉल चॉकलेट्स इनको समझ ही नहीं आती तहरीम को। बिल्कुल, मैं पसंद भी ना करता, मैं कहता यार इतनी दूरों ले आया तो ये डब्बा बस। ब्रावो किंग कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम फसी जगह बहुत खुल के हंस रहे हैं, थैंक्स फॉर कमिंग अली भाई। And let's see what else you've got. लेकिन उमेमा ने आपके सॉन्ग्स की तारीफ की है, ये बात सही है। उमेमा ने वो। हाँ। यार मैं शुक्रिया नहीं कहना चाह रहा, बस मजबूर ना था। Okay, Ahmed from Karachi says, nice program, but you all was treating Ali
as a civilian. Obviously, he's an armed person, so all of you should have to call him sir. Give respect to him. ठीक है ना ये भी इंसान ही होते हैं ये आपकी तरफ रॉकेट आया All right, more SMSs at 8833. You can join us on Facebook, Fasi Zaka Official. और मैं कहती है अली लोगों की जहनीत के साथ फिर उन्होंने यही बात की ये वो समझ रहे कि तुझे समझ ही नहीं आया तेरी वो तुझे जोड़ ही नहीं रही वो चाह रही है आपकी तरफ से कोई रॉकेट आना चाहिए मैं चेक कर रहा था कि ये उल्टा पढ़ रहा है या सीधा पढ़ रहा है उसने ग्लासेस नहीं लगाएंगी ना मैं वही चेक कर रहा था All right. अली जेडी सैफ वो भी शुरू हो गया बेल्जियम से आए तो क्या हम अपने घरों में बेल्जियम के गिलासों में पानी पीते बस अब तो क्या जवाब देगा अब क्या जवाब देगा ये तो उसने बंगिश वाला दिल पे कोड़ा ये ना महा कहती है वाकई फसी भाई आज बहुत चहक रहे हैं वैसे तो सॉन्ग्स पे ही तड़खा देते हैं और राइट एंड मोर एसएमएसेस एट 8833 You can join us on Facebook, Fasi Zaka Official, and you can join us on WhatsApp 051111111. No, our phone number is 051111111. SMSs are basically 8833 pe. WhatsApp jo hai wo 0315111991 pe hai. Aur kisi ne hame एक वैसे ये मुझे नहीं समझ आता जब लोग हमें फॉरवर्डेड मैसेज और उसके बाद आप रिप्लाई नहीं करते तो कहते हैं क्या हुआ जवाब क्यों नहीं दिया फिर वो हमें वॉइस मैसेज भेजते हैं भाई व्हाट्सएप के बाद तो मुझे लगता है कि एसएमएस पे सिर्फ नाजो का ही मैसेज आता होगा एक्चुअली दिस इज मैविज ब्लोज का दिस इज रियली ऑड व्हाट्सएप फिर से व्हाट्सएप नहीं एसएमएस फिर से उठ गया अच्छा उसमें ज्यादा मैसेजेस आते हैं एसएमएस पे ठीक है ना और वैसे इस शो के लिसनर्स वैसे उल्टा ही चलते हैं तोहफा ये लेते नहीं है ठीक है ना हर किस्म का मसला करते हैं और रबी अजिया के दिया फॉरेन की हवा लगने की देर है बंदे का इंट्रोडक्शन टुनाइट शो विद अली से टुनाइट शो विद अली शाहिद हो गया ठीक है ना एंड उमैमा जुबैर कहती है अली तुम्हारे थैंक्स की जरूरत नहीं है मुझे आज हमारी मजबूरी पे आपकी इज्जत की है 40 मिनट सबसे गुजारा हुआ है ठीक है बहुत बर्दाश्त थी सबने शराफत दिखाया है 40 मिनट एनीहाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव गॉट महा कहती ओ माय गॉड ऐसा भी होता है ऑलराइट यू कैन कॉल अस एट 0511111191 SMSs at 8833. You can join us on WhatsApp 0315-111-9191. And let's see what else we've got. Okay. Abhi Armin Ben Buren ka koi aur gana chala de. Aapka koi choice to hai nahi. Nahi choice. Aapne bas suna hai ki ye is club mein ye chal raha hai. पहले तो ये कहते थे इस क्लब में आवाज भी बहुत तेज है तो ये कहते कि ये अमीन बोरा कौन है हमारा बंदा ही अफगानिस्तान का अगर अफगानिस्तान से तो मैं क्लब में नहीं आऊंगा ठीक है लेट्स हियर आर्मिन वैन ब्यूरन्स पिंग पॉंग back once again this is Radio 1 FM 91 and we've just been listening to the great music jo ali hamare liye belgium se laya magar ye last wala music bahut aala pata nahi main to sirf chocolates hi laya tha aur message aaya signal nahi aa rahi hai koi shasha type hi aa raha hai theek hai na ise ye static ka masla ho raha hai aur aaj lahore mein bhi masla hai
All right, more SMSs at 8833. Okay, let's join on Facebook, Fasi Zaka Official. Mahaha says, wah, what a music. Aur Mehma kehti hai, Fasi, aapke mood ki battery low ho rahi hai, isliye aap bhi songs play kar rahe hain. And Bravo King ne ek war kiya. Aur Mehma just jealous ho rahi hai aapse. Ali bhai, inhone USA jo jana tha. Dina. Kaun sa ustad, Yunus? عمیمہ زبیر عمیمہ نے یہ بھی کہا کہ 14 نکات کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چاہے آپ الٹا لٹک جائیں لیکن سب کی ریسپیکٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے نا اور براو کنگ سے نازو 100,000 ٹیکسٹ کر دیتی ہے ہر شو میں اور مہا سیز او مائی گاڈ ایسا بھی ہوتا ہے اینڈ ربیع عزیز سیز فورین کی ہوا لگانے کی دیر ہے بندے کا انٹروڈکشن ٹو نائٹ شو وتھ علی ہوگا ٹھیک ہے نا سو یو کین جوائن اس آن فیس بک فسی زکا آفیشیل ہے ہمارا فین پیج اینڈ امیمہ کہتی ہے تھینکس فسی بٹ عرصے بعد آپ دل سے ہنس رہے ہیں ورنہ نازو کی سیکنڈ کال نے آپ کو رلا دیا تھا انہوں نے اپنا ایک بدلہ بھی لیا اس میں ہی ہے ٹھیک ہے نا یو کین ایس ایم ایس اس ایٹ 8833 ایف ایم 91 اس میں ضرور لکھیے گا یو کین جوائن اس آن واٹس ایپ 0315111991 اینڈ لیٹس سی وٹ ایلس ویو گاٹ اوکے اینڈ آئی تھنک ناؤ ویو ایکچولی پریٹی مچ کم ٹو دی اینڈ آف دا شو ٹھیک ہے علی کوئی ایڈوائس آپ دے دو لوگوں کو دیکھو ابھی یہ جو سارے لوگ ہیں جی انہوں نے اتنا وہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی باہر جانے ویسے ایک چیز میں بتاؤں یہ سب سے سیریس جب علی جا رہا تھا ایک چیز اس نے مجھے کہا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کبھی تجھے کوئی بات بری لگی تو وہ کہتا ہاں ایک چیز کبھی نہ کبھی مجھے چکھتی تھی کہ لوگ اسے سیریسلی نہیں لیتے یہ انجینئرنگ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک سال کے گیپ کی وجہ سے لوگوں نے سیریس لیا اور نہیں اور یہ تو خیر کوئی بھی یہاں کسی پتہ نہیں میں تو ٹانگوں والا مریض تھا یار یا تو کوئی کسی کو بھی سیریس نہیں لیتا لیکن ایک چیز ہے کہ وہ علی نے محنت بہت کی ہے اٹس امیزنگ میں بہت عزت کرتا ہوں تو نے بھی بہت کی ہے تیری میں تمہاری بھی عزت کرتا ہوں بہت عرصہ میں نہیں کرتا تھا مجھے تو قسم سے فسی بھائی آپ نے نا میرا تو ٹریک ہی چینج کر دیا لائف کا یعنی کہ میرے پاس اب اتنے کام ہے نا مگر ٹائم نہیں ہے ویری گڈ ایک ٹائم ہوتا تو میں ویلا بھی پھرتا رہتا تھا کام نہیں ملتے کام نہیں ملتے اب کام اتنے ہیں ٹائم نہیں ملتا سہی ہاں تو کیا ایڈوائس دو گے لوگوں کو سی بھی ایڈوائس یہی ہے کہ پیشنٹس رہیں اور جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں باہر ان کو اپنا بیسکس بہت اسٹرانگ کرنا ہوگا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا بیسکس وہاں بہت ویک ہے ان کے لیول پہ آنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے سب سے پہلے سال اس لیے تو بہت مشکل پہلا سال سر بہت ہی مشکل تھا تو جب تم بیسکس کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو بیچلر ہے آپ کا جو ایف ایس سی ہے آپ نے کلاس صحیح لیے ہوئے ہوں رٹے نہ مارے ہوئے ہوں آپ کو کانسیپٹ ہو چیز کا تو پھر آپ جا کے پھر کسی ہائی لیول انسٹیٹیوشن میں جا کے پھر آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے نا کہ یہاں جو میٹریسز ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جو چار کالم ہے چار کالم کیا بنائے ہیں اچھا ان کو ملٹی پلائی بھی ہوتے ہیں تو بیسکس بہت اسٹرانگ چاہیے جس نے باہر جانا پڑھنے کے لیے اچھا نہیں تو پھر آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے تو تم نے کیسے ہینڈل کیا یہ سال جس طرح کا آپ ایٹموسفیئر جس طرح کی ٹائمنگز اپنی بتا رہے ہو اس حساب سے لیبز کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے لیبز پہ آپ کو وہ امپلیمنٹ کر کے دینی ہوتی ہے چیز میں نے یہاں پہ تو بڑے بڑے کیپیسٹروں کو میں کرتا تھا وہ سولڈر وہاں پہ تو آپ کو پتہ لگتا ہے اچھا یہ کیپیسٹر بھی لگانا ہے مائکرو یہ بہت وہ ہے تو بس سب کو یہی کرنا ہوگا کہ تھوڑا بہت یہ کر لیں اینڈ
हम बहुत खुश हुए तुझे देख के वापस मैं सबसे ज्यादा तो खुश हुआ था जब कॉल आई बंदे ने की हो गया स्पीकर ऑन किया मैंने किसके जहन में यही था कोई मसला होगा इसे इसलिए याद किया नहीं पाकिस्तानी नंबर से कॉल आई ना अच्छा नहीं तो ये व्हाट्सएप कर देता है अच्छा रबिया ज़िया कहती है अली ब्रो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम कम बैक सून ग्रेट शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो लोग बड़े खुश हुए यू हैव अ लॉट ऑफ लव हियर इन पाकिस्तान ठीक है ना अहमद फ्रॉम कराची नाइस प्रोग्राम बट यू ऑल अच्छा ये वही पुराना वाला है ठीक है एंड आखिरी तेरे फेवरेट गाना वैसे क्या है वासिर जान से पहले भी नहीं आजकल तो वैसे वो चेन स्मोकर्स का अच्छा डोंट लेट मी डाउन वो बहुत ही फेवरेट चल रहा था मेरा अच्छा ये मुझे लगता है इसने कि दो मिनट जब मोबाइल पे लगाया नहीं यार नहीं नहीं ये वो है वहाँ किसी लड़की को पसंद कर आज ले वो दिस सॉन्ग योर फेवरेट सॉन्ग माय फेवरेट फ्रॉम पाकिस्तान आई लव दिस सॉन्ग फ्रॉम पाकिस्तान आई लव इट सी उसने से पूछे भी है कि व्हाट डू यू लव अबाउट इट एवरीथिंग चले इतना तो आपका हक है ठीक है ऑलराइट गाइस वी विल बी बैक टुमारो वी लाइव मंडेस ट्यूसडेज रात के 10 से 12 रेडियो 1FM 91 पे एंड आई एम गोना लीव यू विद द फेवरेट सॉन्ग ऑफ अली शायद वी आर ग्रेटफुल ही वाज हियर टुडे दिस इज द चेन स्मोकर्स द सॉन्ग इज डोंट लेट मी डाउन Hurry up now, I need a miracle.